दंड दिया और दामोदर पंडित ने भगवान चैतन्य को वाक्य दंड दिया। तो प्यार इस प्रकार की बनी है कि भगवान चैतन्य ने छोटे हरिदास को दंड दिया और दामोदर पंडित ने भगवान चैतन्य को वाक्य दंड दिया। तो छोटा हरिदास को दंड दिया कि बात नहीं करेंगे, और छोटा हरिदास ने फिर आत्महत्या कर ली त्रिवेणी में जा कर के। तो ये अलग विस्तार से घटना है, लेकिन अब यही इसी बात को लेकर के दामोदर पंडित ने भगवान चैतन्य को वाक्य दंड दिया। तो इसकी घटना इस प्रकार है कि भगवान चैतन्य जहाँ रहते थे गंभीरा में, तो एक बालक जो है उनके पास आया करता था और भगवान जो है उस बालक से प्रेम करते थे और वो बच्चा भी जो है उनसे बहुत हिल मिल गया था। लेकिन वो जो बच्चा था वो सामने रहने वाली एक जो है विधवा स्त्री थी, जो सुंदर थी, जवान थी, विधवा थी, उसका बच्चा था। तो दामोदर पंडित ने भगवान चैतन्य को जो है मतलब इस बात से मतलब वाक्य दंड दिया, मतलब कठोरता से भगवान को कहा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये उचित नहीं है कि भगवान को बताना इस तरह से, लेकिन भगवान ने फिर भी क्या उनकी बात को भी माना और उनकी बात का आदर किया कि हाँ ठीक है। उसने क्या कहा दामोदर पंडित ने कि आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो है जवान हैं, सुंदर हैं, सन्यासी, सुंदर हैं, जवान हैं, सन्यासी हैं, और इस बच्चे की जो माँ है वो भी जवान है, सुंदर है, विधवा है। अब जो है इस तरह से आप उस बच्चे से जो प्रेम करते हैं और हंसी हंस हंस के बात करते हैं, हैं, तो इससे क्या है लोग जो है गलत अर्थ निकालेंगे, गलत अर्थ निकालेंगे, हैं, कि क्या इसका क्या रहस्य है, इसका क्या मतलब है। तो इस तरह से लोग जो है मतलब संदेह करेंगे, आपके चरित्र में संदेह करेंगे। तो भगवान चैतन्य जो है हमें शिक्षा दे रहे हैं कि उनकी बात का आदर किया भगवान ने, दामोदर पंडित की बात का आदर किया। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और भगवान उस बच्चे से फिर जो है बात करना बंद कर दिया। तो भगवान की मतलब ये शिक्षा है कि मतलब कोई व्यक्ति भगवान की भी गलती निकाले और भगवान अपनी गलती को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। तो यहाँ पर जो है ये बात है। यहाँ जगदीश पंडित का जो चरित्र प्रभु जी ने पढ़ के सुनाया, इसमें जो मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसमें बताया गया है चैतन्य भागवत में कि भगवान चैतन्य बचपन जन्म से ही उन्होंने हरि नाम का जो है शिक्षा दी, हरि नाम की शिक्षा दी। किस प्रकार से कि बालक रोता ही रहेगा जब तक हरि नाम आप नहीं करेंगे, इस प्रकार से सबको विवश किया कि निरंतर हरि नाम होता रहे। तो ये तो सब पहली शिक्षा थी। फिर दूसरी शिक्षा इस घटना में हुई। दूसरी शिक्षा क्या है कि एकादशी को हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। तो ये भगवान ने जो है इस प्रकार से शिक्षा दी कि एकादशी का दिन है, तो माता शची एकादशी के दिन उपवास नहीं करती हैं, तो एकादशी का कुछ मतलब बात ही नहीं होती थी, तो एकादशी पर विचार ही नहीं करते थे। लेकिन इस बालक ने जो है इस बार क्या हुआ कि पहली बार ऐसी घटना हुई कि हरि नाम कीर्तन से भी चुप ना होए, और इतना रोता है रोता है रोता जा रहा है रोता जा रहा है ना, क्यों रो रहे हैं क्यों रो रहे हैं। तो फिर बोला, बालक ही बोला कि आज एकादशी का दिन है, तो बालक ही बोला आज एकादशी का दिन है। तो मतलब बालक जो है चेतना हमें देना चाहता है कि एकादशी की चेतना में आप रहिए, आज एकादशी का दिन है, और अपने घर में तो अन्न का ही भोजन बना है, सच्ची माता जगन्नाथ में अन्न ही का भोजन बना है, लेकिन उनके घर में जो विशेष व्यंजन बने हैं वो एकादशी के कई प्रकार के आइटम बने हैं। तो उन्होंने ये कहा, तो मतलब ये बालक जो है बताना चाहते कि एकादशी के दिन आप अगर भूखे नहीं रहना चाहते तो भूखे मत रहो और कई प्रकार के व्यंजन खाओ। तो हम लोग खाते ही हैं, तो कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, एकादशी के व्यंजन बने हैं। तो इसमें ये शिक्षा दी बालक ने कि अब हरिनाम जब आप करने लगते हैं, नियमित रूप से हरिनाम करने लगते हैं, तो फिर दूसरा जो है अब कदम क्या है भक्ति में कि आप एकादशी के दिन अन्न ना खाइए। तो 15वें चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 15वें अध्याय में भगवान चैतन्य जो है सची माता के जो है पैरों में गिरते हैं, माता मुझे जो है आप एक जो है दान करो, हैं। तो माता बोली, बोलो क्या दान करो, बोले एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। तो भगवान ने जो है मतलब ये नहीं कहा कि उपवास करो, निर्जल करो, है ना, और आपका जो है अपना स्वास्थ्य अगर मान लो ख़राब हो रहा है तो आप जो है मतलब नहीं नहीं खाना है, केवल फलाहार करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप निर्जल नहीं कर सकते तो पानी पी के रहो, पानी
पी के भी काम नहीं चलता है तो फलाहार करो, फलाहार से भी काम नहीं चलता तो शाकाहार करो। शाकाहार में कई प्रकार के आइटम हैं, कुट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा, सब जो है आप ले सकते हैं। 10 बार भी लो, चाहे जितने बार लो, लेकिन अन्न मत खाओ। तो ये जो है मतलब भगवान चैतन्य की शिक्षा है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है